नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जो ब्लोअर का टीओपी फॉल्ट आता है तो कैसे हम पता करें कि हमारा ब्लोअर का टीओपी फॉल्ट आ रहा है, और अगर टीओपी फॉल्ट आ रहा है इन रूट में तो कैसे हम उसको बाईपास करके या कैसे हम मतलब उसको प्लांट को चला सकें। देखिए, जो ब्लोअर का टीओपी फॉल्ट आता है तो देखेंगे जो इनपुट सप्लाई है, ये जो देखेंगे तो ये पहला ब्लोअर वन का है, प्लांट वन करके देखेंगे टेम्परेचर ब्लोअर मोटर 1.1 फॉल्ट का ये दिखा रहा है। तो दूसरा देखेंगे तो ये इधर दूसरा ब्लोअर का है 2.1 का फॉल्ट का, ये टीओपी अगर फॉल्ट हो जाएगा, टीओपी फॉल्ट मतलब क्या है कि मोटर अपने मतलब नॉर्मल हीट से ज़्यादा हीट हो जाएगी तो जो उसका जो टीओपी है वो ओपन है। जब ओपन हो जाएगा तो ये जो सप्लाई है ये यहाँ से तो क्या होगा कि ये जब देखेंगे यहाँ पे K27 है ना, ये जो K27 है ये ऑफ हो जाएगा। जैसे ही K27 ऑफ हो जाएगा तो यहाँ पे सप्लाई जल जाएगी और ये क्या दोनों तक सप्लाई जल जाएगी। अगर जो भी ब्लोअर का टीओपी मारेगा जल जाएगा, और ये क्या शो करेगा तो ये शो करेगा सीपीयू में कि ब्लोअर तो आपका टीओपी मतलब फॉल्ट हो गया है, मतलब मोटर ज़्यादा हीट हो गई है। तो अगर जैसे ये इंडिकेशन आएगी तो ये सीपीयू क्या करेगा तो पूरे प्लांट को ऑफ करा देगा, ब्लोअर के सहित में पूरा प्लांट ऑफ करा देगा ये, ठीक है। तो उस समय क्या होगा कि आपका पूरा प्लांट बंद हो जाएगा। तो जब भी अगर टीओपी फॉल्ट है तो ये देखो ये जो लाइट है हरदम बंद रहनी चाहिए। अगर ये लाइट जलने लगी है तो मतलब को समझो कि आपका ब्लोअर का टीओपी फॉल्ट आ गया है। तो जैसे मान लो कि आपका 1.1 ब्लोअर का टीओपी फॉल्ट आ जाए तो क्या होगा, यहाँ पे हरी लाइट जल जाएगी, ठीक है। अब उसको ऑन करना है इन रूट में, अब ऊपर तो जाके देख नहीं सकते कि क्या हो रहा क्या नहीं। तो अब इसको क्या करेंगे तो देखेंगे इस साइड में वागो होता है, तो जो इधर वागो है तो 1.1 जो ब्लोअर है उसका वागोन है, वागो नंबर है 164 देखेंगे यहाँ पे। तो थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। तो देखेंगे तो 164 है ना, ये वन पहला ब्लोअर का है। तो 164 को क्या करेंगे, 164 को 162 से लूप कर देंगे तो आपका ये पहला वाला ब्लोअर का टीओपी गायब हो जाएगा, ठीक है। तो 164 क्या है तो ये ब्लोअर के टीओपी से आ रहा है, और 162 क्या है तो यहाँ पे पावर 110 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई है, तो मतलब उसको पॉजिटिव सप्लाई देना होता है। उसी तरह से अब दूसरा दो नंबर ब्लोअर की टीओपी को अगर बाईपास करना हो, अगर वो भी जल रहा है तो 167 से 169 को लूप कर देंगे। तो 169 देखिए, 167 से 169 क्या नज़दीक पड़ेगा तो इससे लूप कर देंगे। भाई ऐसा नहीं है कि 169 से जो किसी भी कहीं से भी पॉजिटिव सप्लाई अगर 164 पे दे देंगे, 164 पे देंगे दे देंगे तो वन वाला बाईपास हो जाएगा, और 167 पे दे देंगे तो दो वाला बाईपास हो जाएगा ब्लोअर। तो कहीं से भी दे देंगे अगर पॉजिटिव सप्लाई तो ये बाईपास हो जाएगा। हम वहाँ से नज़दीक से ये इसलिए देते हैं कि 162 पे परमानेंट पॉजिटिव सप्लाई पड़ा हुआ है और 169 पे भी परमानेंट पॉजिटिव सप्लाई पड़ा हुआ है, तो यहाँ से देना आसान रहता है। इस तरह से आप दे देंगे तो ब्लोअर की टीओपी आपकी गायब हो जाएगी, इस तरह से आपका ब्लोअर फिर चलने लगेगा, ठीक है। तो आपको कई लोग पूछे कैसे जानेंगे ब्लोअर का, तो जानना यही है कि जब भी कोई ब्लोअर का फॉल्ट होगा तो आप ये इनपुट देख, कोई भी अगर देखो सीपीयू में अगर कोई भी समस्या हो रही है तो उसको देखने के लिए मतलब हड़बड़ाना नहीं है। ये जो इनपुट है यही आपको बताएगा कि क्या फॉल्ट हो रहा है, तो इसको ध्यान से देखिए कि क्या फॉल्ट हो रहा है। जैसे मैं मान लो एग्जाम्पल में कि अगर ये कह दिया कि एयर कंडीशनर फॉल्ट, तो इसका क्या फॉल्ट है भाई, तो ये कह रहा है कि जो ऑन ऑफ रोटरी स्विच है यहाँ से ऑन ऑफ, ये जो रोटरी स्विच है ये ऑन नहीं है तो इसकी वजह से वो नहीं जलेगा, ठीक। तो एक तो ये कारण हो गया, दूसरा ये कह रहा है कि अगर ये ऑफ हो गया तो ये क्या है तो 1.1 कंडेंसर का टीओपी मतलब वो ओपन हो गया है, तो ये है। दूसरा अगर ये नहीं जल रहा है तो दो नंबर कंडेंसर का टीओपी ओपन हो गया, ठीक है। अगर ये जलने लगा तो ब्लोअर का टीओपी भी ओपन हो गया, ठीक है। ये अपोजिट रहता है, बाकी सबसे अपोजिट रहता है। ये क्या है तो ओएसपी ओपन हो जाएगा तो ये नहीं जलेगा, गैस कम हो जाएगा तो ये एलपी से ट्रिप मतलब इंडिकेशन नहीं जलेगा तो कंप्रेसर नहीं लगेगा। दूसरा अभी कंप्रेसर के लिए ये कंट्रोल प्रेशर, जब कंट्रोल प्रेशर ऑन होगा तो दो कंडेंसर लगेगा, नहीं तो एक ही कंडेंसर लगेगा, ठीक है। उसी तरह से सेम ऐसा है, 400 वोल्ट रोक के, अगर 400 वोल्ट रोक के नहीं आएगा तो क्या हो, कहाँ से आएगा तो ये K45 से आएगा, ठीक है। तो वहाँ से आएगा ये दोनों कंडेंसर ऊपर 1.1 2.1 2.2, ये दोनों कंडेंसर मोटर का टीओपी है। फिर उसी तरह सेम ब्लोअर का दो नंबर का, फिर ये ओएचपी का दो नंबर का ओएचपी, फिर 1 2.1 और 2.2 कंप्रेसर का एलपी, फिर उसके तरह से कंट्रोल प्रेशर। हाँ ये नीचे जो है ये एचपी है,
जब भी हेड प्रेशर बढ़ेगा और एचपी मारेगा तो ये हल्का हल्का मतलब ब्लिंक करेंगे, समझो कि एचपी है। तो जितने भी तरह के फॉल्ट आएंगे लमसम 80% फॉल्ट आपको यहीं से शो हो जाएंगे कि क्या फॉल्ट है नहीं फॉल्ट है, आप यहीं से पकड़ पाएंगे। बाकी जो बचे अब सेंसर, इनपुट सेंसर, तो इनपुट सेंसर को आप डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं कि क्या फॉल्ट है। जैसे मान लो यहाँ पे सब कुछ ओके दिखा रहा फिर भी प्लांट नहीं चल रहा, तो अब उसके लिए आपको करना क्या है कि डिस्प्ले में जाना है आपको, और डिस्प्ले में जाके यहाँ से मीनू दबाएंगे। जैसे देखिए मीनू दबाने के बाद अभी हम जब मीनू दबाएंगे तो सीधा स्टेट प्लांट में आएंगे, मीनू दबा के और सीधे इसे प्लांट में जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए दिखा रहा है कि ब्लोर ऑन है, कंडेंसर ऑन है, ठीक है। अब ऐसे अस करते जाएंगे तो आगे बढ़ता जाएगा। अब यहीं पे ये सेंसर का दिखा देगा, अगर यहाँ पे किसी सेंसर का रीडिंग गलत आ रहा हो ठीक है तो ध्यान देना है। जैसे मान लो एक, एक, एक आता है कि रिटर्न ईयर भी सही है, फ्रेश ईयर भी सही है, फिर भी प्लांट नहीं चल रहा है, तो उसमें ये देखना होता है कि जो सप्लाई ईयर है अगर इसका सेंसर का रीडिंग 5 के नीचे जाने लगेगा तो भी प्लांट नहीं चलेगा। तो नॉर्मली ये मतलब गाड़ी ऑटो रहेगी तो बहुत जाएगा 7 मतलब 8 से 10 के बीच के आसपास रहेगा, अगर ये 5 जाने लगेगा तब भी आपका प्लांट नहीं चलेगा ठीक। या रिटर्न ईयर का सेंसर कोई बहुत ज़्यादा माइनस में मतलब कम जाने लगे, जैसे मान लो कोई 15 जाने लगे 16 जाने लगे, तो क्या सेंस करेगा गाड़ी ऑटो में चली गई है ठीक है। तो अब मतलब यहाँ पे आपको एक बार सेंसर भी देख लेना है और एक बार इनपुट देख लेना है। अगर सेंसर और इनपुट देख लिए तो आप यहाँ से फॉल्ट को ये समझ सकते हैं कि फॉल्ट इसमें क्या है, तो उस अनुसार आप इसको सही कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।